शहर से बुलंदशहर में दो पक्ष आपस में भिड़ गए बच्चों के झगड़े के बाद। ये पूरी मारपीट यहाँ पर सामने आई और इस मारपीट में आपको बता दें कई लोग घायल भी हो गए हैं। पूरा मामला क्या है वो आपको यहाँ पर समझाएंगे, लेकिन फिलहाल ये खबर सामने आ रही है बुलंदशहर से मारपीट का वीडियो भी यहाँ वायरल हो रहा है। दो पक्ष आपस में भिड़ते हुए यहाँ नजर आए बच्चों के झगड़े के बाद, ये पूरी मारपीट यहाँ पर सामने आई। विवाद लगातार बढ़ता चला गया और दो पक्ष आपस में भिड़ते हुए साफ देखे जा सकते हैं। तो आखिर ये पूरी खबर क्या थी कि यहाँ पर देखते ही देखते बात मारपीट तक पहुंच गई, पूरी खबर क्या है अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए, बच्चों का यहाँ पर झगड़ा हुआ और इसी झगड़े पर बताया गया दो पक्ष बुलंदशहर में सड़क पर आपस में ही भिड़ गए, जिसका वीडियो वायरल हुआ। दोनों तरफ से लाठियां चली, पत्थर चलने का एक वीडियो बकायदा वायरल यहाँ पर हो रहा है, जिसके आधार पर पुलिस भी जांच कर रही है। और इसी मारपीट में दोनों तरफ से कई लोग जख्मी हुए हैं बुरी तरह से, ये भी खबर मिल रही है। मामले में पुलिस पर पक्षपात के आरोप भी लगा रहे हैं। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन चल यहां पर कर रही है, लेकिन पुलिस यहां पर पक्षपात कर रही है, यह भी दूसरे पक्ष की तरफ से आरोप यहां पर लगाया गया है। तो मारपीट यहां पर हुई, उसके बाद पुलिस भी लगातार जांच कर रही है, लेकिन मामला आखिर इतना कैसे बड़ा हो गया वो आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। यूपी के बुलंदशहर में 20 सड़क दो पक्ष आपस में भिड़ गए। बताया गया कि बच्चों के बीच हुए झगड़े के बाद दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया, धीरे धीरे बात मारपीट तक पहुंच गई और 20 सड़क पर ही दोनों पक्ष के लोग आमने सामने आ गए। इसके बाद दोनों तरफ से लाठियां और पत्थर चलने लगे। घटना का वीडियो भी वायरल हो गया, जिसमें 10 से ज्यादा लोग 20 सड़क पर संग्राम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनमें कई महिलाएं भी शामिल थी। हाथापाई में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। और दबंग बालक आए बड़े बड़े, उन्होंने उनमें खींच खींच के मार लगाई एकदम, और हम कुछ लोग गए 5-7 जने उनसे फैसला करने के लिए ना भाई क्यों मार लगाई इनमें, तो हम पे भी हावी हो गया। पुलिस ने एक पक्ष के 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की और जिसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव किया और पुलिस पर पक्षपात करने का आरोप लगा दिया।